कोई सुपर हीरो का पावर्स कितना भी यूनिक और कूल हो न क्यों, हीरो का एंट्री तो फाड़ू लैंडिंग के साथ होना चाहिए। आप देखो मेरा एडिटिंग। तो कैसे एडिट किया कैपकट में? सुपर हीरो लैंडिंग एडिटिंग के लिए दो वीडियो शूट करो, एक में एक्टिंग करो लैंडिंग का और एक बैकग्राउंड का रिकॉर्डिंग सेम पोजीशन में होना चाहिए। इसके लिए ट्राइपॉड यूज़ करो। और एक टिप्स, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से आगे वीडियो को लॉक कर लो जिससे दो वीडियो में लाइट एक जैसे रहे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके फास्ट बैकग्राउंड को ऐड करो, देन ओवरले से लैंडिंग वाले वीडियो को ऐड करो और हिट कर लो। बैकग्राउंड को कुछ करना नहीं होगा। इसके बाद जिस जगह पे बॉडी हवा में है वहाँ स्प्लिट से काट लगाओ और स्टार्स का पार्ट को डिलीट कर दो। ऐसे ही एंड का एक्स्ट्रा पार्ट को भी काट लगा के डिलीट कर दो। स्टेप टू पे खुद के वीडियो पे टच करके कटआउट में रिमूव बैकग्राउंड करते ही एक्स्ट्रा पार्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। थर्ड स्टेप में फास्ट वीडियो को स्ट्रेच कर लो, देन जहाँ पे बॉडी ग्राउंड को टच कर रहा है वहाँ एक कट लगाओ। इसके बाद छोटा पार्ट में दो की फ्रेम ऐड करो। फर्स्ट की में कुछ नहीं करना और सेकंड की में वीडियो को ऊपर करके स्क्रीन से बाहर कर दो। लैंडिंग तो हो गया, अब ओवरले से ऐड करो ग्राउंड ब्रेक इफेक्ट को। ऐड करने के बाद लेयर में जाके वन करते ही इफेक्ट हो जाएगा मॉडल के पीछे और डबल टच करके एडजस्ट कर लो। फिर कटआउट में आके क्रोमा की से ग्रीन को सिलेक्ट करके ग्रीन को रिमूव कर लो। उसके बाद स्प्लाइस में जाके हार्ड कर लो एंड ग्राउंड इफेक्ट मैच हो जाएगा। जिस जगह पे ग्राउंड को हिट कर रहा है वहाँ इफेक्ट को ले आओ और परफेक्शन से मैच करना इसको। फिफ्थ स्टेप पे ऐड करेंगे शॉक वेव को, तो ओवरले से इफेक्ट को ऐड करो और थोड़ा बहुत एडजस्ट करके फिट कर लो, देन स्प्लाइस से फिल्टर कर लो। तो शॉक वेव कलर को मैच करना चाहते हो तो एडजस्ट पे जाके मैच कर लेना। लास्ट में सुपर हीरो लैंडिंग को रियलिस्टिक फील देने के लिए इफेक्ट वीडियो इफेक्ट के अंदर सेक इफेक्ट को अप्लाई कर लो वीडियो में, देन इफेक्ट को टच करके एडजस्टमेंट में स्पीड को फुल और इंटेंसिटी को कम करो। इसके बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ऑल वीडियो कर लो जहाँ पे हिट कर रहा है बॉडी ग्राउंड को, उस जगह पे इफेक्ट को सेट कर दो। और कोई म्यूजिक लगाओ।
और सेव कर दो।